ओके, सो गुड आफ्टरनून गाइस। चलिए आज का सेशन में हम सबसे पहले आपके साथ एक काम करता हूं मैं। जितना अभी अपन ने पोर्शन पढ़ा है बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, उसको अपन आज चार्ट फॉर्म में कवर अप करेंगे। ठीक है, मतलब मेरी इच्छा आज आगे बढ़ने से पहले ये हो रही है कि मैं पहले उसको चार्ट फॉर्म में कवर अप करूं, ताकि अपने जितनी भी चीजें हुई हैं उसको चार्ट फॉर्म में भी आ जाएंगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। सो पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पार्ट पे। तो अपन क्या बोलेंगे, बेसिक्स। एक चार्ट बना रहे हैं अपन बेसिक्स का। ठीक है, हमारे बेसिक्स क्या हैं, हमारे बेसिक्स क्या कहते हैं। हमारा बेसिक्स कहता है कि देयर मस्ट बी कंट्रोल, देयर मस्ट बी कंट्रोल अक्वायर्ड बाय अक्वायरी, देयर मस्ट बी कंट्रोल अक्वायर्ड बाय अक्वायरी। अक्वायरी ने कंट्रोल अक्वायर किया। ठीक है, अक्वायरी ने कंट्रोल अक्वायर किया, फिर क्या करेंगे। इफ यस तो क्या करेगा अक्वायरर, शेल प्रिपेयर सीएफएस। अक्वायर शेल प्रिपेयर सीएफएस। ठीक है, अक्वायरर है ना, सॉरी। ओके, कंट्रोल अक्वायर्ड बाय अक्वायरर ऑन अक्वायरीज बिजनेस। अक्वायरर शेल प्रिपेयर सीएफएस। ठीक है, ठीक है भाई। फिर दूसरी बात, कोई मेथड है क्या, एनी मेथड। हाँ, एक्विजिशन मेथड। चार्ट बनाने का पर्पस क्या है। चार्ट बनाने के दो पर्पस हैं, एक करंट क्लास में रिवीजन हो जाना, और दूसरा कि लास्ट में, बिल्कुल एंड में, जब आपको ये रिवाइज करना है ओवरऑल, तो बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टर्म में आपका रिवीजन हो जाना। ऊपर ऊपर की बातें आपको पता चलाना कि हाँ, ये सब चीजें होनी है। एक्विजिशन मेथड, एक्विजिशन मेथड में चार स्टेप्स। एक्विजिशन मेथड की चार स्टेप्स, क्या चार स्टेप्स हैं। हाँ? ओके, आइडेंटिफाई अक्वायरर, दूसरा हाँ डिटरमाइन डेट ऑफ एक्विजिशन, DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, दूसरा दूसरा रिकॉग्नाइज एंड क्या मेजर, क्या क्या आइडेंटिफाइबल असेट्स लाइबिलिटीज अज्यूम्ड एंड एनसीआई। ओके, एंड लास्ट रेकग्नाइज एंड मेजर गुडविल ऑब्लिक गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस।
ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, अच्छा। सो नाउ वी कैन से व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप होनी चाहिए कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वी नीड कितने एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, नाम बताइए। पीसी, नेट असेट्स, एनसीआई, गुडविल, कैरिंग फॉरवर्ड, बार्गेन परचेस। वी नीड फोर एलिमेंट्स। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वी नीड फोर, फोर ऐसा वाला लिखते थे, फोर एलिमेंट्स। वी नीड फोर एलिमेंट्स। पहला परचेस, कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन मतलब इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट किस वैल्यू पे आएगा? फेयर वैल्यू, आपको पता है ना, फेयर वैल्यू पे आएगा। परचेस कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, हो सकता है हमारा परचेस कंसिडरेशन भी दो तीन बार हो। कब? स्टेप एक्विजिशन, परचेस कंसिडरेशन भी हमारा एक दो, एक से ज्यादा हो। अच्छा, और कौन सा एलिमेंट चाहिए? नेट असेट्स, कौन सी वैल्यू पे? हाँ, इसमें ध्यान आ रहा है कि फेयर वैल्यू पे तो चाहिए, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? डीटीए, डीटीएल, इंडियस 12 के अनुसार, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट्स 102 के अकॉर्डिंग, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस इंडियस 19 के अकॉर्डिंग, असेट हेल्ड फॉर सेल इंडियस 105 के अकॉर्डिंग मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कौन से मेथड्स? पहला प्रायोरिटी फेयर वैल्यू, दूसरा प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट असेट, और क्या चाहिए मुझे? गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस। ठीक है, ये गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस कैलकुलेट कैसे होगा? ये गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स, पीसी, पीसी डिस्चार्ज्ड टू अक्वायर कंट्रोल एड, एड बोलो क्या करेंगे? हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेस 100% नेट असेट्स।
ठीक है। ये हमारे बेसिक्स हो गए, कंट्रोल और मेथड और क्या स्टेप्स होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे बेसिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, फोर एलिमेंट्स। इनकी बात खुल के करनी पड़ेगी। फोर एलिमेंट्स, टेल मी, फोर एलिमेंट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। फोर एलिमेंट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। पहला कौन सा है? परचेस, कंसीडरेशन। बताइए मुझे क्या क्या आएगा? कैश, कैश मान लो, कैश और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कैश, फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड ऑब्लिक असेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अज्यूम्ड। हाँ, और वो इसमें ही आ गया। ठीक है, कैश में क्या नहीं आएगा? ये क्या था? परचेज कंसिडरेशन क्या था? इंक्लूड्स। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूड्स। एक्सक्लूड में क्या नहीं है, क्या नहीं आएगा? याद आ रहा है कि मैं लिखूं? अरे वर्ड क्या था? स्क्रीन पर देखो। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, फीस पेड टू रेगुलेटर और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। शॉर्ट में हमने बोला था कुछ भी चीज जो, ऐसी कोई भी चीज जो अक्वायरी को ना दी जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज पर आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या चाहिए था हमें? नेट असेट्स। नेट असेट्स, नेट असेट्स का क्या था? याद आ रहा है? नेट असेट, नेट असेट का रिकॉग्निशन, नेट असेट का बेटा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं भाई मेरे,
तेरे को इंडिया थोड़ी पढ़ा रहा हूं, इंडिया 16 थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि उसका सब्सिक्वेंट वेरिएशन में मैं बैलेंस शीट पे देखूंगा। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग किस किस की और मेजरमेंट किस किस का? रिकॉग्निशन, पहला असेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन इन अक्वायरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस दूसरा क्या आएगा? असेट लाइबिलिटीज नॉट शोन इन, नॉट शोन इन अक्वायरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। हाँ, और क्या था? और क्या था, याद है? कॉन्टिंजेंट करके कुछ था। हाँ, क्या? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इवन दो आउटफ्लो इज नॉट रिलायबल, आउटफ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड लिख देते हैं, और यस इंडेमनीफिकेशन। स्पेलिंग देख लो, सही लिखी ना? हाँ, थैंक यू। इंडेमनीफिकेशन असेट इफ इंडेमनीफाइड by acquiree and related liability already recognized। नेट असेट में ये सब आएगा। फारुक भाई, अब तू मुझे बताएगा मेजरमेंट में क्या क्या आएगा? देखने का है ही नहीं, देखने का है ही नहीं, मैंने पढ़ाया ना तेरे को। बता मेजरमेंट में क्या आएगा? नेट असेट के मेजरमेंट। बेटा ध्यान रखियो, कॉमन सेंस चलाएगा, याद आ जाएगा। नेट असेट का मेजरमेंट किस पे, नेट असेट किस पे लेते हैं? नेट असेट किस पे लेते हैं? अरे किस पे लेते हैं नेट असेट? आपका कैसे होना चाहिए, कौन सा वैल्यू पे होना चाहिए? फेयर वैल्यू पे, ये पूछ रहा हूं। हाँ, तो सभी की सभी फेयर वैल्यू पे होंगी, कुछ कुछ और है? सभी की सभी फेयर वैल्यू पे होंगी, क्या एक्सेप्शन है? हाँ, क्या? जनरल रूल क्या है? फेयर वैल्यू। ओ माय गॉड, रुक जाओ एक सेकेंड, और एक चीज बढ़ गई। ये प्लस किया था ना, माइनस एक और आएगा, माइनस बल्कि प्लस माइनस। डेफर्ड टैक्स असेट ऑब्लिक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नेट असेट में वो भी तो आएगा। नेट असेट प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी कब? ये नहीं बोल रहा हूं कि डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी जो अक्वायरी की बुक्स में दिख रही होगी, वो तो ऑलरेडी सारी की सारी एसेट इसमें आ गई होंगी ना, शोन इन द बैलेंस शीट, ये तो ऑलरेडी आ चुकी है। नेट एसेट डेटी डीटीएल रिकॉग्नाइज्ड, न्यूली रिकॉग्नाइज्ड कब? न्यूली रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू
कौन सा डिफरेंस होता है? टेम्पररी, टेम्पररी डिफरेंस। ये टेम्पररी डिफरेंस कैसे आया? टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड टैक्स बेस। बेटा पुराने AS 22 में वर्ड इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते थे, अब यहां पर हम टेम्पररी डिफरेंस बोलते हैं। टेम्पररी डिफरेंसेस में टाइमिंग डिफरेंस ही आते हैं शामिल। और एक्सेप्शनल रूल क्या होगा? एक्सेप्शनल रूल DTA, DTL, एस पर IND AS 12 और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस एज पर IND AS 19। हाँ उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट एज पर IND AS 102। और क्या? नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एस पर IND AS 105। हाँ और था DT, DTL, शेयर बेस पेमेंट, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, नॉन करंट असेट्स। हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट था। देखो देखो नहीं देखना तो पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, एनसीए ओपन अलग से उसको, बस यही थे ना मतलब। ठीक है अरे यार चलो। हाँ और हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक तो लिख तो इसमें कैन बी नेगेटिव, याद है कि नहीं? इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा होता क्या है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? पोर्शन ऑफ अक्वायरीज इक्विटी नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ क्या आ रहा है? नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्ड बाय पेरेंट। हाँ अच्छा ओके। फिर हाउ टू कैलकुलेट? हाउ टू कैलकुलेट? हाँ बोलो। फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट,
फेयर वैल्यू में भी दो थे शायद, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनसीआई, और दूसरा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पेरेंट शेयर इनटू एनसीआई शेयर। अरे यही था कि नहीं? फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इनटू शेयर ऑफ एनसीआई। दो टाइप के एनसीआई होते हैं, क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग। टाइप्स ऑफ एनसीआई, क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग। ओ भाई बताओ क्वालिफाइंग में क्या आता है? हाँ यस वेरी गुड, ऑर्डिनरी इक्विटी ओनर्स। हाँ ऑर्डिनरी इक्विटी ओनर्स, और नॉन क्वालिफाइंग अदर कॉम्पोनेंट ऑफ इक्विटी नॉट ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल शेयर बेस्ड, मतलब मैं ईसॉप लिख देता हूं, ईसॉप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ईसॉप शेयर वॉरेंट्स। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा एक और बात, ऑलवेज अप्लाई फेयर वैल्यू मेथड। अच्छा, ये भी हो गया। ओके 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 और क्या था एनसीआई को लेकर? और क्या था? कुछ था क्या? बस डेट ऑफ एक्विजिशन पता, डेट ऑफ बैलेंस शीट पर। हम तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर खेल रहे हैं ना। ठीक है लास्ट, अरे यार लास्ट क्या था लास्ट? गुडविल। देखो इतनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो तुम लोग? हाँ स्केल भी यूज करोगे तो भी नहीं बनेगी। गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस। क्यों मैडम बताओ क्या बताना चाहती हो तुम इसके बारे में? खुश हो रही थी ना बड़ी, क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन बन गया। बताओ बताओ बताओ।
सर मैं क्या बताऊं, आपने लिख लिया पहले से ही कि हम गुडविल कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं। हाँ कौन से दो मेथड? ओके फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल मेथड, फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल मेथड, मतलब वेयर एनसीआई इज टेकन एट फेयर वैल्यू, एनसीआई इज टेकन एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स, नेट असेट्स, नेट असेट्स, नेट असेट्स, बोलो। अच्छा गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कब आएगी? कब आएगी गुडविल? पीसी इज हायर, पीसी प्लस एनसीआई इज हायर देन नेट असेट, और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज कब आएगा? नेट असेट इज हायर देन पीसी प्लस एनसीआई। तो एक बात तो बताओ, ये गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज कहां जाएगा? गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज कहां जाएगा? थ्रू ओसीआई इट इज टू बी शिफ्टेड, शिफ्टेड टू कैपिटल रिजर्व अंडर सोकी, अंडर सोकी। ज्यादा ही लाइट हो गया क्या? ज्यादा ही लाइट हो गया, कोई बात नहीं मिटाऊंगा नहीं मैं। थ्रू ओसीआई इट इज टू बी शिफ्टेड टू कैपिटल रिजर्व, और क्या था, और क्या था? यस मेजरमेंट विंडो, उसको हमें यही लिखना पड़ेगा। क्या हुआ फारूक? मेजरमेंट पीरियड विंडो, हमने तो इसका कल ही क्वेश्चन किया था ना, कल क्या परसों किया था, कल किया था, क्या याद है बताओ? मेजरमेंट पीरियड विंडो, लिखवा लेना यार, क्या लिखूं? हाँ
चलो लिखो, इफ नेट असेट्स आर मेजर्ड ऑन, कौन सा वर्ड था, प्रोविजनल बेसिस, प्रोविजनल बेसिस, मेजर्ड एट प्रोविजन होगा, मेजर्ड एट प्रोविजनल बेसिस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यू टू क्या, ड्यू टू क्या, अनअवेलेबिलिटी, टी ऑफ सफिशियंट इन्फो, इन्फो को इन्फो मतलब समझते हो ना, इन्फो मतलब, हाँ सफिशियंट इन्फो, इफ हटा दो, नेट असेट ठीक है, नेट असेट्स आर मेजर्ड ऑन प्रोविजन एट प्रोविजनल बेसिस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट इन्फो, तो क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली न्यू इन्फो इंफॉर्मेशन अराइज, सब्सिक्वेंटली न्यू इंफॉर्मेशन अराइज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या अराइज हुआ, नई नई कुछ इंफॉर्मेशन, किस असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, किस असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, बोलो, फॉर असेट्स लाइबिलिटीज एग्जिस्टेड ऑन, एग्जिस्टेड एग्जिस्टेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर ये होती तो तस्वीर कुछ और होती, किस लिखूंगा इसको मैं, अगर ये होती तो तस्वीर कुछ और होती, हाँ हाँ अच्छा, और सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन अराइज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेट्स लायबिलिटीज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, इफ सच न्यू इन्फो वुड हैव बीन अवेलेबल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, द मेजरमेंट सॉरी द नेट असेट्स ऑब्लिक एनसीआई एंड नेट असेट्स एनसीआई एंड गुडविल मे हैव बीन चेंज्ड, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एंटिटी, एंटिटी मतलब कौन, पेरेंट, पेरेंट इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेट सच न्यू इन्फो, वो काम करो ना, उस न्यू इन्फो को इनकॉर्पोरेट कर दो, सच न्यू इन्फो इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन में ही इनकॉर्पोरेट कर दो, एंड मेक रिक्वायर्ड चेंजेस, किसमें कोई बताएगा, मेक रिक्वायर्ड चेंजेस इन नेट असेट्स एंड एनसीआई और जो भी डिफरेंस आए, यस एनी डिफरेंस वुड बी एडजस्टेड इन गुडविल कैपिटल रिजर्व, मैक्सिमम पीरियड,
मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स, ठीक है। और एक और पॉइंट था ना इसमें, बोलो, न्यू इन्फो इंफॉर्मेशन अराइज आफ्टर एंड ऑफ विंडो, आफ्टर क्लोजर ऑफ विंडो। तो क्या करेंगे? हाँ 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 ट्रीटेड एज एरर एंड मेक रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है। अरे बोलो यार, एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। वाओ जय सर, क्या चार्ट बनवाते हो आप, मजा आ गया। बोलती नहीं यार, बेसिक्स कर लिया और फोर एलिमेंट्स। हाँ बोलना बेटा। बैलेंस शीट डेट पे ना, हाँ अपन ने उसको शॉर्ट में वही लिख दिया। अपन ने लिखा है उस असेट एंड लाइबिलिटी के बेस है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। असेट देखो, न्यू सब्सिक्वेंटली न्यू इन्फॉर्मेशन अराइज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, एग्जिस्टेड ऑन एक्विजिशन डेट, और इसको और कर लो चलो, और फैक्ट्स एग्जिस्टेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। या तो असेट लाइबिलिटी उस पर एग्जिस्ट होनी चाहिए या तो फैक्ट्स एग्जिस्ट होने चाहिए। और बोलो, और क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? और क्या पढ़ा था अपन ने? सर सर आपने ना, हाँ, अपन उसको क्या नाम दे, स्पेशल एडजस्टमेंट्स। चलो ठीक। एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ। स्पेशल एडजस्टमेंट्स, पहला क्या था? एबनॉर्मल आइटम्स। क्या करेंगे? सबसे पहले एड ऑब्लिक
लेस, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, एलिमिनेट इफेक्ट फ्रॉम चेंज कॉलम। अरे बोलो यार, फिर मेक टाइम एडजस्टमेंट, फिर रीस्टेट, याद है ना, रीस्टेट द इफेक्ट इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स आइदर डीओए कॉलम और चेंज कॉलम। बोलो बेटा, आया क्या? नहीं धीरे बोलने का। धीरे, शांति, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या था? डिविट, नहीं, डिविडेंड से पहले रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज। रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज, रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या करेंगे? अच्छा, ये ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन क्या करेंगे? सबसे पहले रीवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक लॉस कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट बाय रिवर्स वर्किंग। हाँ, थ्रू डेप्रिसिएशन रेट और यूजफुल लाइफ। इसको डालेंगे कहां पर? कहाँ डालेंगे इसको? ट्रांसफर टू डीओए कॉलम। आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ठीक है, बोलो। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन इफेक्ट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इफेक्ट क्या होगा बोलो? निकालेंगे कैसे मैडम? ये बोलो, डेप्रिसिएशन। हाँ बोलो बोलो। डेप्रिसिएशन दैट शुड बी चार्ज किस पीरियड के लिए? फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये किस पे निकालते हो? कैलकुलेटेड ऑन
फेयर वैल्यू ऑन एक्ट डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस क्या करते हैं, लेस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्चुअली ऑब्लिक ऑलरेडी चार्ज फॉर सेम पीरियड। क्या आएगा इसमें, पगली एडिशनल डेप और सेविंग इन डेप, डीटीए डीटीएल बोलती है। हाँ अच्छा, अब दोनों में डीटी डीटीएल आएंगे, पर उससे पहले इसको कहां ले जाओगे, ट्रांसफर टू चेंज कॉलम आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अब बताओ। कैलकुलेट डीटीए डीटीएल ऑल्सो, बस इतना लिख दो समझ जाएंगे अपन, समझदार बच्चे बन गए अपन वैसे भी। कैलकुलेट डीटीए डीटीएल ऑल्सो, और क्या था, जी हाँ टैक्स रेट नहीं दिया तो डीटी रिटेल नहीं निकालेंगे। चलो डाल दो इस पॉइंट को भी, इग्नोर डीटीए डीटीएल क्योंकि मई 19 वाले में टैक्स रेट नहीं दिया था। नहीं अज्यूम अज्यूम कुछ नहीं करने का है, तुम्हारे साथ चेकर कुछ अज्यूम कर लेगा फिर, फालतू अज्यूम मत करो। इग्नोर डीटी रिटेल इफ टैक्स रेट इज गिवन। रौनक भी करके आया होगा क्वेश्चन सॉल्व, मुझे पूरा विश्वास है रौनक पे, और अगर वो नहीं करके आया तो इतना वो मतलब बिल्कुल खुददार आदमी है कि मतलब वो आज पार्टी देगा ही देगा। बोलेगा सर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ सर, मैं करके नहीं आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा सर। खुददार आदमी है वो बिल्कुल। अरे तू रहने दे, उस दिन बोलता है सर मैं घर लेट पहुंचा, आज बोलता है तबीयत खराब थी, कल पता नहीं और कुछ लेके आएगा नया। सर वो लॉ पढ़ रहा था, 800 मार्क्स का होता है वो। हाँ दो तुम दो, दूसरों को इंपॉर्टेंस दो बेटा, मेरे को इंपॉर्टेंस मत दो, याद रखूंगा मैं याद रखूंगा कि तुम लोग मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। आज ऑडिट का ये था, कल लॉ का ये था, उसके बाद आईडीटी का ये था। तेरी जगह मैं होता ना, खुददारी दिखा देता आपने। अरे तेरी जगह मैं होता तो मैं रुकता नहीं पार्टी देने से, पता है ब्रेक अगर होता तो मैं बोलता सर रुक जाओ मैं आता हूं। तू सीरियसली यार, तो मैं कहा मैंने तेरे को इतना एक्सपेक्ट किया था तेरे से यार। आगे रिवॉल्यूशन के बाद और क्या पढ़ा था अपन ने, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड कौन पे कर रहा है, पेड बाय सब्सिडरी और अक्वायरी। क्या करेंगे, दो लोग हैं
कौन दो लोग? अक्वायरर, अक्वायरी। अक्वायरर क्या करेगा? क्या करेगा? रिकग्नाइज, चलो रिकग्नाइज एज इनकम, रिकग्नाइज एन इनकम व्हेन डिक्लेयर्ड राइट टू रिसीव। यस, डिक्लेयर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन SFS। क्या एंट्री करेगा? बैंक या फिर डिविडेंड रिसीवेबल, जो भी बोलना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। टू P&L, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यार, टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम टू P&L, एक ही बात है। ठीक है, अक्वायरी क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? ऑल दो उसने एंट्री की होगी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मस्ट हैव पास्ड एंट्री इन विच ईयर? इन द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, दैट इज करंट ईयर। क्या करेंगे? अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट क्या करोगे? एड बैक इन पोस्ट एक्विजिशन कॉलम, जिसको हम चेंज कॉलम भी बोलते हैं। अरे बोलो, अलॉन्ग विथ DDT, मैं DDT भी इसमें जोड़ देता हूं। फिर मेक मेक वॉट, मेक वॉट मेक टाइम एडजस्टमेंट, देन लेस DDT ओनली। किसमें से? इन पोस्ट एक्विजिशन कॉलम। अभी खत्म नहीं हुआ है, और कहां से लिस्ट करते हैं? ये तो था अंडर चेंज कॉलम ना, ये तो था अंडर चेंज, अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। अब दूसरा, अंडर NCI एंड कंसोलिडेटेड सोकी हाँ, डिडक्ट NCI शेयर डिडक्ट पेरेंट्स शेयर। बोलो, सही लिखा मैंने मैडम? और कोई एडजस्टमेंट? हाँ, मल्टीपल एक्विजिशन।
पता है पेन ड्राइव स्टूडेंट्स क्या हरकत कर सकते हैं, कुछ कुछ पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हरकत करेंगे, चलाएंगे इसको 1.7 1.8 की स्पीड पे हाईएस्ट, या तो फिर डायरेक्ट आगे कि इसको मैं बाद में लिखूंगा, अभी मेरे को पहले देखने दो। हाँ तो दूसरी हरकत क्या, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, छोड़ो यार हटाओ। डिसएडवांटेजेस, सॉरी, स्टेप एक्विजिशन लिख सकते हैं क्या, स्टेप एक्विजिशन, व्हाट टू डू, स्टेप एक्विजिशन, स्टेप एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मोर देन वंस, ठीक है। हाँ क्या करेंगे, डेटा ऑफ एक्विजिशन कंट्रोल पे, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, सी एफ एस शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली वेन इट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, लिख सकते हैं कि नहीं, इट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। CFS shall be prepared only when it results in acquisition of control. ऐसे केस में क्या करेंगे? For goodwill gained from bargain purchase, take fair value ऑफ प्रीवियस एक्विजिशन, सही लिख रहा हूं क्या, टेक फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस एक्विजिशंस, क्या बोल रहे हो, एक्विजिशंस, प्रीवियस एक्विजिशंस, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, और क्या लिखना है, इसका एक सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा भाई, एक इफेक्ट तो यहां तुमने इसका फेयर वैल्यू बढ़ा दिया, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, सोकी में। हाँ अरे बोलो ना, इट्स सेकंड इफेक्ट दैट इज फेयर वैल्यू गेन ऑन रीस्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड सोकी, बोलो बेटा, और कुछ था क्या, नहीं वो भी पढ़ा ही नहीं है, अंजलि प्रॉफिट अभी आज, वो आज का सीन है वो, और
और कुछ है या? सोचो। और कुछ है क्या? मेरे हिसाब से और कुछ फिलहाल नहीं है। एक्विजिशन मेथड हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया, गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज गुडविल हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया, रिवेल्यूशन हो गया, समरी वाला हो गया पॉइंट, मल्टीपल एक्विजिशन वाला पॉइंट हो गया। हाँ बस इतना ही है सर। एक घंटा 10 मिनट लगा दिया हमने चार्ट में, बट जरूरी है। हाँ वो तो जरूरी है। हाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूं।